हेलो दोस्तों, राम राम जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखिए, आज संडे का दिन है। हम आज अपने खेत में दिया जलाने जाएंगे। इसकी तैयारी हमने आज सुबह से ही कर रखी। हम हर संडे को अपने देवताओं पे चिराग जलाने जाते हैं। तो देखिए, अब हम ये सामान तैयार कर रहे हैं। चिराग बत्ती, घी वगैरह सब सामान ले लिया है। गंगा जल भी और पानी भी सब कुछ मिला लिया है इस डिब्बे में। और ये सामान दिए और बत्ती, रुई, धूप बत्ती, सभी प्रसाद वगैरह इसमें रख लिया है। ये माचिस भी रख ली है क्योंकि खेत में नहीं मिलती। तो अब चल दिए हैं हम खेत की ओर, देवताओं पर जा रहे हैं। और ये बीच में स्कूल भी पड़ता है इस गांव में ही। तो सुबह सुबह का टाइम है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम है। और ये देखिए, इधर साइड में गन्ने के खेत हैं। अभी ये गन्ने छोटे हैं, सर्दियों तक पूरे बड़े हो जाएंगे, जिससे चीनी बनती है और भी सामान, गन्ने से गुड़, शक्कर वगैरह। ये वही गन्ना है, अभी ये छोटा है। 2-3 महीने पहले इसको लगाया था, ये इतना बड़ा हो गया। तो अब आ गए हैं हम खेत में। ये हमारे देवता हैं, यहाँ पर फूल भी लगाए हुए हैं। देखिए, फूल आपको नजर आ ही रहे होंगे। तो जैसे आजकल हवा चलती रहती है, तूफान वगैरह, यहाँ पर कूड़ा हो रहा है, ये पेड़ के पत्ते झड़कर गिर जाते हैं। तो पहले यहाँ पर करेंगे सफाई। यहीं पे ये ट्यूबवेल है, यहाँ से पानी ले लेंगे। ये खेत हैं चाचा जी के, यहाँ पर इन्होंने गन्ना, साग सब्जी, घास भी लगाया हुआ है। देखिए, मक्की है जो डंगरों के लिए हरा चारा होता है, ये वही मक्की है। तो पूजा करने से पहले यहाँ पर करेंगे सफाई क्योंकि बहुत गंदा हो रहा है। देखिए, आपको नजर आ ही रहा होगा वीडियो में, कितने पत्ते झड़े हुए हैं यहाँ पर। तो इन्हीं को साफ कर रहे हैं, उसके बाद में फिर करेंगे पूजा। तो सफाई पूरी हो चुकी है। और ये देखिए, यहीं पर हैं लौकी के खेत, इनको घिया भी बोलते हैं। ये सब तोड़ लिए हैं, मंडी में जाने के लिए तैयारी हो रही है। और इधर ही मिर्च के खेत भी है, हरी मिर्च के ये पेड़ लगे हुए हैं। ये हरी मिर्च का खेत है। ये देखिए, कितने अच्छे सुंदर सुंदर हैं लौकी। तो धूल जो जमी हुई थी वो पानी से साफ कर रहे हैं।
तो सफाई करने के बाद अब देवताओं को नहला रहे हैं जो घर से गंगा जल लेकर आए थे उससे, और इसके बाद में फिर दिया लगाएंगे। देखिए दिया भी जला दिया है और हवा बहुत चल रही है इसलिए थोड़ा अंदर को ही रखा है। अब लगा रहे हैं धूप बत्ती। और यह है हल्दी का तिलक जो अभी लगाया है। तो हर संडे को हम ऐसे ही आते हैं खेत में, क्योंकि हमारे देवता खेत में ही हैं, हमने वहीं पर बनाए हुए हैं और ऐसे ही हम पूजा करते हैं। ये हैं पतासे प्रसाद के रूप में। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर हम अपने देवताओं के चरण स्पर्श कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे बड़ों ने हमें बताया है तो ऐसे ही हम करते हैं। अब देवताओं पर चिराग जलाने के बाद आ गए हैं म्हाड़ी पर, क्योंकि इतवार का दिन है संडे का, तो म्हाड़ी पर भी दिया जलाते हैं। यह है गोगा पीर की म्हाड़ी, यहाँ पर भी पूजा करेंगे। ये देखिए ऊपर नीले घोड़े वाला। तो यहाँ की पूजा भी ऐसे ही करेंगे पूरी। तो आपको कैसे लगते हैं हमारे वीडियोस हमें बताना ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। सभी लोग आते हैं यहाँ पर और ऐसे ही पूजा करते हैं संडे के दिन। और ये जो आपको वीडियो में दिख रहा है जिसमें गोसे लगा रखे हैं, यह है बाबा का धूना, इसको धूना बोलते हैं। और इसकी जो ये राख होती है इसको बोलते हैं भस्म। और यह है गोगा जी की तस्वीर, देखिए आपको दिखा रखी है।
और यहाँ पर हलवे का प्रसाद भी मिलता है। यहीं पर महाराज जी बैठे हुए होते हैं, वो सभी को प्रसाद देते हैं। और किसी की इच्छा होती है तो अपने घर से ही घर से बना कर ले जाता है, वहीं पे बांट देते हैं माड़ी पर ही। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना हमें आपके यहाँ पर कैसे पूजा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।